पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ मंच नहीं किया साझा, पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई ममता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कुछ लोग जानबूझकर सीए समझना नहीं चाहते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन, आज अमेठी में जन्मदिन मनाएंगी प्रियंका, कार्यकर्ताओं ने भेजा बधाई संदेश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने कसी कमर, हरियाणा से सटी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी, अकेले मैदान में उतरने के दिए संकेत। जेपी नड्डा ही बन सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर, नड्डा के नाम पर बनी सहमति, फरवरी में संभाल सकते हैं पद। जेएनयू मामले में विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस की जांच तेज, व्हाट्सएप ग्रुप के 7 और लोगों की पहचान, पूछताछ के लिए पुलिस ने अक्षत को भेजा समन। छत्तीसगढ़ के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम, सभी 10 सीटों पर जीत की हासिल, प्रदेश में पिछले महीने हुए थे नगर निगम के चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं करती ईवीएम की चोरी, जो रोज चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से बढ़ेगी बीजेपी की मुश्किल, सीए और एनआरसी पर प्रशांत किशोर ने राहुल और प्रियंका गांधी को दी बधाई, बोले बिहार में नहीं करेंगे लागू। छात्रों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ आईआईएम, जेएनयू के समर्थन में चलाया सिग्नेचर कैंपेन, कहा लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए हो रही है पुलिस कार्रवाई। नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवड़े का दावा, नहीं होगी ईरान जैसी गलती, भारत ने उठाए सही कदम, एयर डिफेंस कमांड से रुकेंगे ईरान जैसे हादसे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोबारा बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नासा में इंटर्नशिप के तीसरे दिन ही 17 साल के कुकियर ने खोजा ग्रह, 1300 प्रकाश पर्व दूर स्थित तारामंडल में मौजूद है नया ग्रह, 6.9 गुना फीसदी से है बढ़ा। ईरानी सेना की ओर से यूक्रेन के यात्री विमान को गलती से निशाना बनाने पर भड़के नागरिक, कहा दोषियों को सजा दें, यूक्रेन ने मांगा हर्जाना। कारोबार बचाने के लिए सरकार ला सकती है डिस्क्लोजर स्कीम, नोटबंदी के बाद बेकार पड़ी नकदी को सिस्टम में लाने की कवायद, बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। 10 लाख रुपए से अधिक की गाड़ी खरीदने और विदेश यात्रा करने वालों को सावधान रहने की जरूरत, इनकम टैक्स विभाग के पास आ जाती है इन लोगों की सूचना। जसप्रीत बुमराह को मिलेगा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार, बीसीसीआई ने किया ऐलान, 2018-19 सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बुमराह ने किया है शानदार प्रदर्शन। महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत को मिली टीम की कमान, टीम में बंगाल की बल्लेबाज ऋचा घोष एकमात्र नया चेहरा। बॉक्स ऑफिस पर छाई अजय देवगन की फिल्म तानाजी, साल की पहली ब्लॉकबस्टर बन सकती है अजय की फिल्म, जबरदस्त कमाई का सिलसिला जारी। इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान ने पूरे किए 20 मिलियन फॉलोअर्स, फैंस ने दी किंग खान को बधाई, शाहरुख ने अब तक किए हैं केवल 547 पोस्ट।